Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel, The South Tech. तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं और अगेन जिसके पास कार है और कार नहीं भी है, अगर उनके दोस्तों के पास या रिलेटिव्स के पास कार है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इंश्योरेंस किस तरह से क्लेम करोगे, नजम को किस तरह से रिपोर्ट करोगे, पुलिस को किस तरह से रिपोर्ट करोगे, आपका इंश्योरेंस का पैसा आप किस तरह से निकालोगे। तो चलिए, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्योंकि रिसेंटली मेरा कार भी एक्सीडेंट हुआ और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था इन माई लाइफ इन सऊदी अरेबिया, तो मुझे काफी परेशानी हुई कि क्योंकि मुझे प्रोसीजर के बारे में पता नहीं था, तो मैं पुलिस स्टेशन गया दो बार तीन बार, फिर मैं वहां से कहीं और गया, इस तरह से काफी टाइम मैंने वेस्ट किया, काफी सफर हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ आई डोंट नो द प्रोसीजर, राइट? दैट्स वाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि जब मैंने ये करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि या दिस इज द राइट प्रोसीजर और वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, तो चलिए, हमारे पास बहुत सारा कंडीशन है। सपोज आपका कार एक्सीडेंट हुआ, ओके, तो कार जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर एक अच्छा चीज है कि आप जहां पर एक्सीडेंट होता है कार, आप वहां पर रुक जाओ, कार जैसे का तैसा छोड़ दो और आप नजम को कॉल करो। ओके, नजम एक यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी है फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी, आप उसको जब कॉल करोगे तो वो आपके पास आएगा और आपका सिचुएशन को इवेल्युएट करेगा कि दोनों में से किसकी गलती है और उस तरह से वो आपको पेपर बना के दे देगा, राइट? तो नजम को कॉल करने के लिए सिंपली आप कॉल करना 9290000560। यहां भी दो कंडीशन है कि अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है, अगर उसमें कोई इंजुरी होता है या आग लग जाता है या दोनों पार्टी का इंश्योरेंस वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में आपको पुलिस को कॉल करना है। ओके, और वो नंबर है 993। ओके, इस केस में आप पुलिस को कॉल करोगे। अगर कोई इंजुरी या कोई फायर या किसी एक के पास भी वैलिड इंश्योरेंस है तो आप नजम को कॉल करो, नजम आपके पास आएगा और आपका बराबर से वो चेक करेगा और उसके बाद आपको ये दे, आपको बताएगा कि किसकी गलती है, उस हिसाब से आपको पेपर बना के दे देगा। ओके, जब आप नजम को कॉल करते हो तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट कर लिया गया है और हमारा बंदा नजम के थ्रू ऑन वे है, आपके पास पहुंचने वाला। ओके, तो नजम को कॉल करने से पहले आपने क्या करना कि आपका नाम, आपका ईमेल, आपका अकामा नंबर, और क्योंकि वो कुछ आपसे पूछेगा, आपका नाम, आपका अकामा नंबर, मे बी व्हीकल का नंबर और ये एक्सीडेंट कहां पर हुआ है, ठीक है, वो लोकेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। तो वो लोकेशन के लिए आपके पास एक लिंक भी आएगा, वो लिंक में जाके वो लोकेशन आप उस पर सबमिट कर देना। उसके बाद थोड़ा देर के बाद विद इन 2 मिनट्स आपके पास एक मरूर की तरफ से भी मैसेज आ गया, यानी कि पुलिस की तरफ से, कि आपका एक्सीडेंट सबमिट कर लिया गया है मरूर के डिपार्टमेंट में। ओके, वो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लेता है, कभी 15 मिनट भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि अगर आपके एरिया में कुछ ट्रैफिक है, वो आपके पास पहुंचेगा, आपका दोनों का कार को चेक करेगा, आप लोग से पूछताछ करेगा और वो अपने हिसाब से देखेगा कि किसकी गलती है। सपोज ये गलती दूसरे की है, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती 0% है, तो आपको क्या होगा कि दूसरे वाले के इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाएगा। यहां भी दो चीज है, एक यहां पर दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक थर्ड पार्टी और एक कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि फुल इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर आपकी गलती नहीं होती तो आपकी कार सेकंड वाले के इंश्योरेंस से बनती है। अगर आप थर्ड पार्टी के और आपकी गलती निकली 100%, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा और आपको आपकी गाड़ी खुद से बनानी होगी, आपके अपने पैसे से। और आपकी थर्ड पार्टी है तो आपके इंश्योरेंस से अगर आपकी गलती है तो दूसरे की गाड़ी बन जाएगी। अगर आपके पास फुल इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इवन आपकी भी गलती है या आपकी गलती नहीं भी है, तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से आप वो पैसा ले सकते हो। ओके, डायरेक्टली आप सबमिट करके। तो चलिए, ये तो हो गया कि जब आपका कार एक्सीडेंट हुआ, आपने नजम को कॉल किया, नजम आपके पास आया, आपको इवेल्युएट करके आपको बताया कि किसकी गलती है, आपको एक पेपर बना के दे दिया। ये पेपर बनने के बाद अगर आपकी गलती जीरो है,
अब आपको क्या करना है, इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आप सिंपली क्या करना, तकदीर सेंटर जाना। यहां पर तकदीर सेंटर किसको बोलते हैं, एस्टीमेशन कॉस्ट सेंटर, यानी कि कार एस्टीमेशन कॉस्ट सेंटर। देखिए आपका कार में जो भी डैमेज हुआ है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉडी का एक अपना सेंटर है हर एरिया में, आप जद्दा में रहो, रियाद में रहो, कहीं भी, हर एक जगह पे एक सेंटर है तकदीर। ओके, दिस इज कॉल्ड तकदीर। ओके, एस्टीमेशन, तकदीर इज अरबिक वर्ड बट इन इंग्लिश आप कह सकते हो कि ये क्या है, एस्टीमेशन कार कॉस्ट सेंटर समथिंग। ओके, तो आप वहां पर जाओगे, ये पेपर लेके जाना, तो नजम का पेपर आपके पास है, आप वहां पर दिखाना, तो वो आपका कार को इवेल्युएट करके आपको क्या करेगा कि आपका क्या डैमेज है, डैमेज आप कैसे उसको रेक्टिफाई करोगे, कितना पैसा लगेगा, वो आपको एक एस्टिमेशन कॉस्ट बना के देगा। तो ऑन द स्पॉट वो आपको बना के नहीं देगा, वो क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि ओके विद इन 24 आवर्स यू विल गेट अ मैसेज, यानी कि आप तकदीर सेंटर से आप एक मैसेज रिसीव करोगे, वो उस पर आप जब क्लिक करोगे लिंक आएगा, उस पर आपका पूरा रिपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो तकदीर सेंटर जाने के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो या आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तकदीर का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है मैंने उसमें ऑलरेडी डाल दिया है, और आप देखो कि इस तरह का अरबिक आएगा ये फॉर्म, तो अरबिक का ये मतलब है, आप गूगल ट्रांसलेट से भी करके आप देख सकते हो, या तो आप अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वहां लाइन पे ज्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते हो तो वहां पर काफी लंबी लाइन होती है, मैंने जब लास्ट टाइम जद्दा गया था तो ये तीन लाइन थी, दो लाइन क्या था विदाउट अपॉइंटमेंट, वन लाइन था विद अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट वाला था, सो उसका लाइन काफी छोटा था और हमारा लाइन काफी बड़ा था, फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका काम वहां पर हो जाता है। चलिए, आपको जब तकदीर के तरफ से आपका कॉस्ट मिल गया, इस तरह का पेपर देखिए आपका पास आएगा, ये इसमें ए प्लस बी करके इसमें पूरा होल आपको कितना पैसा मिलना चाहिए वो यहाँ पर कॉस्ट आपको प्रोवाइडेड रहेगा। ओके, अब आप क्या करना, सिंपली इस चीज को लेके सेकेंड पार्टी जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ उसकी इंश्योरेंस कंपनी को आप वो क्लेम करना। तो क्या करना, आप ऑनलाइन पे जाके उसके इंश्योरेंस कंपनी पे वो जाके अपलोड करना, पूरा डिटेल भरना, वो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका इंश्योरेंस, आपका क्लेम सबमिट कर लिया गया, विद इन 15 डेज आपको पैसा ही आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको पूरा डिटेल, आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी डालना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो सिंपली आप क्या करना, आप चले जाना इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस के मेन ऑफिस में यहाँ पर आपके शहर में, और वो पेपर वहां पर जमा कर लेना, वो लोग मैनुअली सबमिट कर लेगा, और उसके बाद आपको मैसेज रिसीव होगा उसी तरीके से कि विद इन 15 डेज यू विल गेट योर मनी बैक। अगर ये तो हुआ कि सेकेंड पार्टी के पास इंश्योरेंस है, लेकिन मेरे केस में सेकेंड पार्टी के पास इंश्योरेंस नहीं था, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ओके, चैलेंजिंग नहीं भी आप कह सकते हो, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो। सिंपली कभी भी अगर आपको लगे कि सेकेंड पार्टी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो प्रोसीजर सिंपल है, सेम है, यानी कि आपको तकदीर, यानी कि कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट सेंटर आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपका तकदीर का जो भी आपको आपका कार का एस्टिमेशन कॉस्ट बना के देगा, इसी तरीके से ए प्लस बी का पूरा यहाँ पर आएगा। ओके, सिंपली आप क्या करना, इसको लेके आप ट्रैफिक पुलिस सेंटर चले जाना, मरूर का जो भी यहाँ पर ऑफिस होता है आपके शहर में होगा, जद्दा में या सरफिया में है, सेंट्रल ट्रैफिक पुलिस जो ऑफिस है वहां आप चले जाना, और वहां पर आप इसको दिखाना, तो वो लोग क्या करेगा, इसको रजिस्टर कर लेगा अपने पास, और वो सेकंड पार्टी से आपको पैसा दिलवाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप मरूर पे जाओ ना, सेकंड पार्टी को आप कॉल कर लो, ओके, कि चलो इस टाइम पे हम लोग को मरूर के पास जाना है, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप मरूर के पास जाओगे, मरूर बोलेगा कि आपका वो किधर है, सेकंड पार्टी किधर है, क्योंकि जब तक सेकंड पार्टी आएगा नहीं वो केस क्लोज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पार्टी से जब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं मरूर उसको क्लोज नहीं करेगा, राइट। तो मेरे केस में क्या होता कि मैं फर्स्ट टाइम गया, मैंने उसे कॉल भी किया, वो कॉल रिसीव नहीं किया, मैंने मरूर के पास गया, मरूर ने बोला सेकंड पार्टी किधर है, तो मैंने बोला कि वो कॉल नहीं उठा रहा है, तो उसने भी ट्राई किया, साथ उसका मोबाइल आउट ऑफ रीच था। मरूर ने बोला नेक्स्ट डे आओ, मैंने नेक्स्ट डे गया, मैंने उस बंदे को कॉल किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं फिर थर्ड डे भी गया। सेकेंड डे जब मैंने गया तो मरूर ने बोला कि ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं उसका सिस्टम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उसका जो भी बैंक का चीज है या जो भी आपका जो गवर्नमेंट रिलेटेड सिस्टम है उसका, वो क्लोज कर दिया। जब वो क्लोज किया तो सेम डे में उसने मुझे कॉल भी किया कि चलो मरूर के पास चलना है, तो हम लोगों ने फिर एक डे फिक्स किया कि इस डे पे हम लोग मरूर के पास जाएंगे। तो हम लोग दोनों मरूर के पास गए,
तो मरुन ने उसे बोला कि आपको ये पैसा इसको देना। उसने मुझे वो पैसा दिया और फिर मैंने अंडरटेकिंग लेके मरुन को सबमिट कर दिया कि मैंने इसे पैसा रिसीव कर लिया, नाउ यू कैन क्लोज द केस। तो मरुन ने वो रिसीविंग लेके केस को क्लोज किया और उसका सिस्टम को ओपन कर दिया। ओके, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि जब सेकंड पार्टी के पास अगर आप सेकंड पार्टी के पास अगर ये नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में सिंपली आप तकदीर सेंटर जाके वो पेपर निकालना, उसके बाद मरूर के पास जाना और मरूर आपका पैसा दिलवाएगा उससे। सिंपल है, वो भी सिंपल है। ओके, तो ये तो रहा सारा चीज, आप अपना जो भी डैमेज क्लेम कैसे करोगे। ओके, उसके बाद आपको डैमेज को तो बनवाना भी है ना, तो सिंपली है आप अफसर पे जाना, अफसर में इस तरीके से आपका खुलेगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आप व्हीकल में जाना, व्हीकल मैनेजमेंट एक आएगा, व्हीकल मैनेजमेंट में जाके आप वहां से अपना रिपोर्ट क्रिएट करना, ठीक है। सम टाइम क्या होता ना, मेरे केस में ऑलरेडी जब थर्ड पार्टी के पास इंश्योरेंस नहीं था, सेकेंड पार्टी के पास, तो मैंने जब मरूर के पास गया तो मरूर ने ऑलरेडी उसको रजिस्टर कर लिया था, तो ऑलरेडी वहां पर मेरा परमिट ऑलरेडी मिल गया था मुझे। ओके, लेकिन अगर ऐसे केस में जब आप पुलिस के पास नहीं गए, सिंपली आप तकदीर से वो एस्टिमेशन कॉस्ट ला के आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी में जमा किए, तो अब आपको व्हीकल रिपेयर परमिट आपको आपके अफसर से निकालना पड़ता है। तो आप जब वहां पर जाओगे तो इस तरीके से आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, आई थिंक ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो उन लोगों को फॉरवर्ड करिए जिनके पास कार है, क्योंकि रियली मैं यहाँ पर 8 साल से रह रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम के मुझे ये एक्सीडेंट हुआ, जहां पर मेरी कोई गलती नहीं थी। ओके, फिर भी मुझे इतना सफर होना पड़ा, क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव द आइडिया अबाउट इट, इवन आई चेक विद मेनी पीपल एंड दे कुडंट गाइड इट वेल। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो आप शेयर करो उन लोगों को जिनके पास कार है, इवन सब लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये अगर उनके दोस्त के पास है या उनके रिलेटिव्स के पास है या उनके कलीग के पास है या कंपनी के लोगों के पास है, तो वो उनको एडवाइस कर सकते हैं इनकेस अगर कोई भी कार एक्सीडेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।